नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आईपीएल सीजन 12 का दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है। बड़ी बात यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहला स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होते होते अभी तक करीब 8.4 ओवरों में 75 रन बिना किसी नुकसान के सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो बना चुकी है। सबसे बड़ा सवाल था कि इस बार सनराइजर्स हैदराबाद में करीब एक सीजन बाद वापसी कर रहे डेविड वार्नर कैसा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अब तक डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो की जोड़ी पूरी तरह से हावी रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजों पर। अब तक के अगर खेल का ब्यौरा देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल दिनेश कार्तिक कर चुके हैं, जिसमें सबकी पिटाई यहाँ पर की है डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो ने। बड़ी बात यह है कि एक बार फिर यहाँ पर डेविड वार्नर का जादू देखने को मिला है। आईपीएल में पहले ही मैच में इस सीजन के उन्होंने जड़ दिया है शानदार अर्धशतक। ऐसा लग रहा है कि डेविड वार्नर जो है वो कहीं गए ही नहीं थे। भुवनेश्वर कुमार जो टीम के कप्तान है, आज केन विलियमसन को चोट लगी है, खुश जरूर हो रहे होंगे। करीब 9 ओवर में 81 रन सनराइजर्स हैदराबाद बोर्ड पर लगा चुकी है और कम से कम यहाँ से अगर स्कोर को अगर आप प्रेडिक्ट करें तो जिस हिसाब से इस टीम का बैटिंग लाइनअप है, ये टीम आसानी से 180-190 बना सकती है और इनके पास इस तरह का बोलिंग अटैक है कि आसानी से मैच को निकाल सकते हैं। फिलहाल डेविड वार्नर का अर्धशतक पूरा हो चुका है, शेर की तरह दहाड़े हैं। बैन लगने के बाद एक साल का उन पर भी आईपीएल का बैन लगा था और बैन लगने के बाद वापस आते ही दिखा दिया कि क्यों डेविड वार्नर इतने ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार डेविड वार्नर को आईपीएल में प्रदर्शन करने के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में जगह मिलेगी, क्या वार्नर वर्ल्ड कप खेलेंगे, इस पर भी सवाल है। लेकिन फिलहाल अगर करंट सिनेरियो को आप देखें तो आज कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब तक कुछ भी बढ़िया नहीं घटा है। शुरुआती 9 ओवरों में यहाँ पर 82 रन बन चुके हैं, 54 रन बनाकर खेल रहे हैं डेविड वार्नर। महज 32 गेंदों का सामना किया है उन्होंने, 8 चौके और एक जबरदस्त छक्का जड़ा है जो उन्होंने हाल ही में अर्धशतक पूरा करने के लिए जड़ा। वहीं जॉनी बेस्टो इंग्लैंड के शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज 23 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे हैं, एक चौका और एक छक्का जड़ चुके हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो आज दो बड़े महामुकाबले हैं। पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है। जिस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स हावी है यहाँ पर, ये बात तय है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को फिलहाल यहाँ पर पीछे हटना पड़ा है। शुरुआती 9 ओवरों में यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है वो पूरी तरह से यहाँ पर डोमिनेट हो रही है। सनराइजर्स हैदराबाद चढ़कर खेल रही है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस टीम में जो वार्नर और बेस्टो ने जिस तरह से स्टार्ट दिया है वो वाकई में एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। आने वाले बल्लेबाज मनीष पांडे, दीपक हुडा, शाकिब अल हसन, विजय शंकर और यूसुफ पठान है, ये सभी बड़ी हिटें लगा सकते हैं। इवन राशिद खान कैन ऑल्सो हिट सम बिग सिक्सेस। तो ये सारी चीजें हैं फिलहाल जो सनराइजर्स हैदराबाद के फेवर में जा रही है। पिछली बार की रनर अप थी चेन्नई सुपर किंग्स से, फाइनल हारी थी ये टीम, लेकिन फिर भी इस टीम को हमेशा से ही कंसिस्टेंट माना जाता रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बेहतर तरीके से बेहतर कंट्रोल में इस मैच को खेल रही है। फिलहाल अगर आप करंट सिनेरियो देखें तो यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा जो एक अच्छे गेंदबाज हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के, 2 ओवर में 16 रन दे चुके हैं। पीयूष चावला को 2 ओवर में 17 रन पड़े हैं। लॉकी फर्ग्यूसन अब तक एक ही ओवर डाला है, न्यूजीलैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर, 1 ओवर में 9 रन दिया है। सुनील नारायण की पिटाई हुई है, 2 ओवर में 18 रन दिए हैं। दूसरा ओवर कुलदीप यादव डाल रहे हैं, अब तक 9 रन दे चुके हैं। और आंद्रे रसेल जो एक बिगेस्ट थ्रेट माने जा रहे थे, आंद्रे रसेल 1 ओवर में 13 रन दे चुके हैं। अब सवाल यह है कि ईडन गार्डन्स में क्या यहां पर एक बड़ा टारगेट दे पाएगी सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्स को, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर 180-190 तक बना गई तो कोलकाता में इतना आसान नहीं होता है इस स्कोर को चेस कर पाना। हालांकि कोलकाता के पिच आज बिल्कुल फ्लैट नजर आ रही है, यहाँ पर टर्न बहुत कम है। तीन स्पिनर्स यहाँ पर खिलाए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स ने और जिस तरह से आज निस्त नाबूद किया है आज कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों को, वाकई में आज डेविड वार्नर को मानना पड़ेगा। एक साल तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद जब ये आईपीएल में लौटे हैं तो गजब का इनका प्रदर्शन है। हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो चोटिल हो गए थे, कोहनी में सर्जरी उनकी हुई और उसके बाद जैसे ही वो वापस आए मैदान पर एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों वार्नर को मिस किया जाता है, क्यों डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया की भी आन बान और शान है, साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की भी आन बान और शान है। हालांकि कप्तान वो जिंदगी में बन नहीं पाएंगे अब किसी भी टीम के लिए, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर
डेविड वार्नर के लिए एक बहुत बड़ा मौका है अपने स्कोर को बड़े स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। लगातार नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।